अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओएलटी पब्लिक टीवी की जानिब से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। ये एक आम दिन था और सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। दोपहर तकरीबन 1 बजे से 3 बजे के दरमियान पुलिस को एक कॉल रिसीव हुई थी। ये कॉल अमेरिका के एक शहर फेस्टिस से की गई थी। पुलिस स्टेशन में कॉल एक औरत ने की थी। ये औरत बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। ये औरत बार बार कह रही थी कि मेरे चिंपैंजी ने मेरी दोस्त पर हमला कर दिया है, ये उसके चेहरे को मुसलसल बिगाड़ रहा है। ये औरत बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और बार बार एक बात को दोहराई जा रही थी। पहले तो पुलिस को लगा कि ये कॉल मजाक के तौर पर की गई है। दोस्तों, ये वाक्य अमेरिका में 1995 को पेश आया था। ये बंदर अमेरिका के एक शहर फेस्टिस में पैदा हुआ था। इस बंदर को एक जोड़े ने खरीद लिया था। इस औरत का नाम सांड्रा था और इसके हस्बैंड का नाम जेरेमी हैरल्ड था। जब ये बंदर सिर्फ 3 दिन का था तब इस जोड़े ने इसको खरीद लिया था। ये बंदर इन्होंने 50 से 55 हज़ार डॉलर तक के दरमियान में खरीदा था। इस बंदर के बारे में कहा जाता था कि इसका बचपन से दिमाग बहुत तेज है। ये इस बंदर को अपने घर ले आए थे और ये बंदर इन्हीं के घर रहने लगा। कहा जाता है कि इस बंदर का दिमाग इतना ज़्यादा तेज था कि ये घर के पौधों को खुद ही पानी दिया करता था। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये बंदर घर के घोड़ों को चारा भी डाला करता था। यहाँ तक कि ये बंदर अपने दांतों को भी खुद साफ किया करता था। इस बंदर का दिमाग इतना ज़्यादा तेज हो गया था कि रिमोट की मदद से चैनल्स भी चेंज कर लिया करता था। कहा जाता है कि ये बंदर आइसक्रीम खाने का बहुत शौकीन था। जब इस गली में आइसक्रीम बेचने वाला शख्स आया करता था तो इसके टाइम को देखकर ये उसके पास पहले से पहुंच जाया करता था। यानी ये बंदर घड़ी के टाइम से अंदाज़ा लगा लिया करता था कि आइसक्रीम के आने वाले का वक्त हो चुका है। इस बंदर का नाम ट्रेविस था। ये इस कपल के साथ गाड़ी में सफ़र कर रहा था। जब ये गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी तो किसी ने एक सोडा कैन इसकी गाड़ी में फेंक दिया। ट्रेविस की नज़र इस कैन पर पड़ गई। ये गाड़ी से बाहर निकला और इसकी गाड़ी के शीशे पर चढ़कर तोड़ने लगा। यानी इस बंदर ने गाड़ी से निकलते ही दूसरी गाड़ी पर हमला कर दिया। ये सारा मामला पुलिस तक पहुंच गया था क्योंकि इस बंदर की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी। फिर अमेरिका के शहर में एक कानून पास किया गया कि जो शख्स भी अपने घर में पेट रखेगा उसे एक परमिट हासिल करना होगा। दोस्तों, एक बंदर था। बंदर ने वही हरकत की जो एक जानवर किया करता है। ये हमला करने के बाद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा गुस्से वाला और चिड़चिड़ा हो गया था। किसी भी जानवर का असली घर जंगल होता है। कसूर सिर्फ उन लोगों का है जिन्होंने इसे जंगल में रखने की बजाय एक घर में रख लिया था। फिर इसी दौरान जेरेमी हैरल्ड की मौत वाकई हो गई और ये बंदर सैंड्रा के पास रहने लगा। सैंड्रा फिर इसके बिजनेस को संभालने लगी। ये बंदर अब सैंड्रा के साथ रहने लगा था। सैंड्रा की एक दोस्त थी जिसका नाम चार्ला था। ये सैंड्रा के घर आने लगी। वहाँ पर इसकी बंदर से मुलाकात हुई। ये बंदर भी आहिस्ता आहिस्ता चार्ला के साथ मानूस हो गया। दोस्तों, ये 2009 की बात है जब ट्रेविस ने सैंड्रा की गाड़ी की चाबियाँ चुरा कर फरार हो गया। सैंड्रा की दोस्त चार्ला ने गाड़ी ढूंढने में इसकी मदद करना शुरू कर दी। जब चार्ला ट्रेविस को ढूंढ रही थी तो इसके हाथ में ट्रेविस का पसंदीदा खिलौना भी मौजूद था। अचानक बंदर चार्ला के सामने आ गया। ये बंदर शदीद गुस्से में था। पता नहीं अचानक इस बंदर को क्या हुआ, इसने चार्ला के चेहरे पर हमला करना शुरू कर दिया। चार्ला को फौरन तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया गया। इस बंदर ने इस औरत का चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगाड़ दिया जिसके बारे में आप तस्वीर भी नहीं कर सकते। इस औरत का चेहरा इतनी बुरी तरह से खराब हो गया कि उसके चेहरे की सर्जरीज करनी पड़ी। फिर इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके पुलिस को तलब किया गया। इस हालत को देखकर पुलिस ने इस बंदर पर गोलियां चला दी। 4 गोलियां बंदर को जाकर लगी और बंदर मौके पर ही मर गया। लेकिन दोस्तों, असल में कसूरवार वो लोग हैं जिन्होंने इस जानवर को जंगल से दूर रखा। यही वजह है कि इस जानवर ने कुछ ऐसी हरकत की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना होगा। आपका इस बंदर के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदन वहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।